राजशिक टाइगर्स दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन चाहने वाले मौजूद हैं। वैसे अगर मैं बात करूं ट्रॉफी की, गिफ्ट की, तो आप जा सकते हैं। तो दोनों कीपर को समझाया जा रहा है कि लाइन से बाहर नहीं निकलना बाबा, नहीं तो सीधे पीला धरा जाएगा कार्डवा। तो पहले सेव करने के लिए जाते हुए कोच टोली के कीपर का नाम नहीं पता लगा, और किक लेने के लिए जाते हैं सोमरा मुंडा रांची टाइगर की ओर से। आकाश को आप देख सकते हैं गोल पोस्ट के अंदर, गोलकीपर के रूप में कोचा टोली एफसी के लिए रांची टाइगर्स की ओर से सोमरा तैयार है अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के साथ। इस टाई ब्रेकर में पहला शॉट रांची टाइगर्स लेने जा रही है। टेढ़ा खड़ा करेंगे तो कैसा दिखेगा। पूरी ताकत के साथ सोमरा का ये शॉट, कोई चांस का नहीं आकाश के लिए। अच्छा स्टार्ट यहां पे रांची टाइगर्स के लिए। कोचा टोली की तरफ से किक लेने के लिए जाते हुए पार्सन नेग्रो क्रोकी, कोचा टोली एफसी अपने पहले शॉट के लिए विदेशी खिलाड़ी को के लिए जाने जाते हैं। मौका दिया है रॉकी को बीट कर पाएंगे कि रेमन, और रेमन यहाँ पे थोड़ी बहुत माइंड गेम्स खेलते हुए, रॉकी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात ही करने के लिए। पूरा एकाग्रता उनके साफ चेहरे पे झलकता हुआ मन में। बहुत ही आसानी के साथ यहां पे पुश किया, खुश किया, और अब मुझे लगता है कि रॉकी हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल जिस एकाग्रता के साथ वो आए थे, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। फिनिश किया गोल के साथ, शुरुआत अच्छा किया कोच अटोली एफसी के लिए। आखिरी कुछ मिनटों के लिए अमित को लेकर आए थे, और निश्चित रूप से रांची टाइगर्स की टीम जानती थी कि अगर ये मैच टाई ब्रेकर तक जाता है तो अमित शॉट लगाएंगे। फिलहाल अमित को आप देख रहे हैं। कमाल का शॉट यहां पे, अच्छी खासी ऊंचाई के साथ आकाश को बीट किया। ये दूसरा शॉट रांची टाइगर्स के भी नाम लगातार दो शॉट में दो गोल लगे हैं। तो कोचा टोली की तरफ से किक लेने के लिए जाते हुए अभी कमेंटेटर नाम पढ़ेंगे। और साइलेंस है। अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। अगला मैच काफी इंपॉर्टेंट, और आपको ये भी बता दूं कि ये मैच जो कि पहला था इस टूर्नामेंट में जिसमें कोई गोल देखने को मिला नहीं, दिक्कत हो जाता। तो गोल पोस्ट पे तैयार है रेमन लकड़ा, और किक लेने के लिए तैयार है सैलेश, सैलेश कोचा टोली एफसी के लिए। हाथ को लगा लेकिन रोक नहीं पाए रेमन, अच्छा प्रयास था, दिशा को पढ़ा लेकिन कामयाब हो नहीं पाए। कमाल के गोलकीपर हैं, फिलहाल अभी भी मुकाबला ये
बराबरी का चलता हुआ गोल में बदले हैं। अब किक लेने के लिए जाते हुए विजय महतो जो बुंडो से बिलोंग करते हैं, इसको भी टाई ब्रेकर के लिए ही बचाया जाता है। विजय रांची टाइगर्स के लिए कमाल का प्रयास यहां पे लंबी छलांग अजय के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए अजय और विजय ने अजय के खिलाफ गोल मारा। किक लेने के लिए जाते हुए विदेशी मुल्क के खिलाड़ी नंबर 10 नेक्स्ट वीक को लेकर आए हैं कुछ अटोली आपसी रेवन और बिल्कुल बॉल की बहुत करीब है नैसी। मुझे लगता है कि आकाश की व्हिसल का इंतजार कर रहे हैं। पीछे आएंगे खड़े मारेंगे। रेवन तैयार, आकाश की व्हिसल का शॉट यहां पे कमजोर शॉट था, लेकिन बॉटम कॉर्नर दिशा एक और बार पढ़ने में कामयाब रहे रेमन, लेकिन पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल कोने में ये शॉट था। अब किक लेने के लिए जाते हुए रांची टाइगर की ओर से विशाल तीन तीन शॉट अब तक लग चुके हैं और बराबरी का मामला चल रहा है अभी तक। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन बनेगी इस टूर्नामेंट में? अब आकाश भी अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कुछ अलग करने का प्रयास करते हुए बचा लेंगे। जी हां, बचा लेंगे आप अजय, और इनका नाम ही अजय है। और थोड़ा बहुत कमजोर शॉट था, लेकिन रेवन ने कहा कि मैं हूं ना, जब तक सांस बची है करना पड़ेगा। अब किक लेने के लिए फिलहाल यहां पे अजय ने इस शॉट को बचा के कोच अटोली एफसी के लिए मौका दिया है इस टाई ब्रेकर में बढ़त प्राप्त करने का। शानदार जर्सी में सुधीर आए हैं शॉट लेने के लिए कोच अटोली एफसी की ओर से, जो बीपीएस दुबलिया के टीम से भी खेलते हुए आप लोग को बहुत सारे ग्राउंड में दिखते हैं। आज कोच अटोली की तरफ से आए हुए हैं। लंबे कद के खिलाड़ी इजराइल का कॉपी करते हुए एक लंबी दूरी सुधीर के द्वारा डाल डाल तो मैं पास पास, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, इतना आसान नहीं है गुरु रांची टाइगर्स को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाना। तगलाल किक लेने के लिए गए हुए हैं बंगाल के खिलाड़ी का शुभंकर के शुभंकर रांची टाइगर्स की ओर से आखिरी शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले शॉट को अजय ने बचाया था कोच अटोली एफसी के लिए, ये आखिरी मौका है। सभी की निगाहें गोल पोस्ट पे, पूरी एकाग्रता के साथ शुभंकर
बहुत ही आसानी के साथ अजय को इन्होंने बीट किया, शॉट को गोल में बदला शुभंकर ने। ये रेमन के लिए शोरगुल है या फिर टीना के लिए? और टीना आ रहे हैं शॉट लेने के लिए, ये आखिरी मौका है। अगर शॉट को गोल में बदलेंगे तो बराबरी, अगर रेमन रोक लेते हैं तो सीधा टिकट टू सेमीफाइनल। क्या बोलते हैं पब्लिक, कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली है? दोनों ही खिलाड़ी पूरा समय लेना चाहेंगे। बचाने का पूरा प्रयास किया था रेमन ने, लंबी छलांग भी देखने को मिली और टीना ने इस शॉट को गोल में बदल के कोचा टोली एमसी को अभी भी जीवित रखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो अब अजय लेने के लिए जाते हुए प्रकाश मुंडा जर्सी नंबर 6 में, रांची टाइगर्स की प्रकाश। बहुत ही आसानी के साथ प्रकाश का यहां पे एक सुंदर प्लेसमेंट, यहां पे कोई मौका नहीं, गोलकीपर अजय को इन्होंने छकाते हुए गोल में बदल चुके हैं। जताया कप्तान ने दांव खेला, आशीष निकल चुके हैं शॉट लेने के लिए। बास्केटबॉल के अंदाज में रेमन ने आशीष को गेंद दिया है। खिलाड़ी नर्वस लग रहे हैं, आशीष क्या करते हैं देखने वाली बात है। नर्वस प्लेयर को रेमन जज कर लेते हैं। कमाल का शॉट यहां पे, बिल्कुल कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर। अभी तक रेमन पहुंच रहे हैं दिशा को पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक सफलता की बात करें तो एक शॉट को ही इन्होंने रोका है 6 में से। अजय के सामने रेमन, दोनों ही गोलकीपर, दोनों ही अच्छी गोलकीपर है। माइंड गेम दोनों कीपर खेलते हुए, रेमन भी माइंड गेम खेलते हुए, और उधर आकाश लंबी दूरी से रेमन तैयार है इस टाई ब्रेकर में 7वां शॉट लेने के लिए। तो रेमन का किक सेव होते हुए, कमाल का सेव यहां पे अजय के द्वारा,
रेमन के इस शॉट को बचा के अब रेमन को ही बचाना पड़ेगा। अजय ने तो मौका दे दिया है कोच अटोली एफसी के लिए। बहुत ही उम्दा गोल कीपिंग यहां पे अजय के द्वारा। इस युवा खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए उतने कम, इतना आसान नहीं होता है। प्रेशर गेम है, प्रेशर को हैंडल करना बहुत जरूरी। चलिए रेमन के बाद शॉट लेने के लिए अजय खुद तैयार है। अजय ने जज कर लिया था, पहले ही जज कर लिया था रेमन का। बराबरी करने का मौका है रेमन के पास, अजय के पास जीत दिलाने का मौका है। दोनों कीपर तभी की तरह या फिर माइंड गेम खेलते हुए डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे को ताकि कुछ गलती करे खड़बड़ में आके। दर्शक बहुत उत्साहित हो चुके हैं, क्या ये सेव होगा या गोल पे जाएगा बॉल। रेमन तैयार है या पिक लेने के लिए, कीपर भी तैयार है। इस तरह से की टीम सेमीफाइनल में नाइन बुलेट क्लब कबाली के द्वारा आयोजित दीपावली सोहराय के शुभ अवसर पर कोचाटोली एफसी ने इतिहास रच दिया है। फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना लिया है और वहीं रांची टाइगर्स को अब यहीं पे अपना सफर समाप्त करना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई दंगल